सभी किसान साथियों को राम राम। मैं हूं शंकर लाल मीना, आप देख रहे हो शिव शंकर कृषि फार्म एंड नर्सरी यूट्यूब चैनल। साथियों, आप भी अगर बेर की बागवानी स्टार्ट कर चुके हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं, जो किसान शिव शंकर कृषि फार्म एंड नर्सरी से पौधे ले चुके हैं और बागवानी कर रहे हैं, उनके लिए आज एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाया गया है, जिसमें कुछ किसान गलतियां कर देते हैं। पौधा लगाने से लेके आगे तक क्या क्या प्रोसेस करना है हम गाइडलाइन देते रहते हैं, फिर भी किसी वजह से वह प्रॉपर ध्यान नहीं रख पाते हैं। उसके लिए हम वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि आप थाई ग्रीन एप्पल बेर हो या कश्मीरी बेर या बाल सिंदूरी बेर हो या मिस इंडिया बेर, तो उसके पौधे को आपको कैसे लगाना है, कैसे उसकी केयर करनी है, ताकि आपका पौधा अच्छी ग्रोथ करे और प्रॉपर समय समय पर आपको कौन कौन से न्यूट्रेंट देने हैं, जिससे कि आपके पौधे की ग्रोथ निरंतर बढ़वार करती रहे। किसानों के हमारे पास फोन आते हैं कि हमने पौधे आपकी गाइडलाइन के अनुसार लगा दिए, फिर भी पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही और पौधा बढ़वार नहीं ले रहा है। तो वो छोटी छोटी समस्याएं किसानों के सामने आती रहती है, उनके लिए हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि जैसे ये पौधा है थाई ग्रीन एप्पल बेर का, ये लगभग 1 से 1.5 फीट के अंडर में है। यह पौधा हम आपको देते हैं, देने के बाद जैसे आप यहाँ से पौधे ले गए, ले जाके हमारी गाइडलाइन के अनुसार आपने पौधा भी लगा दिया, फिर भी समस्या आ रही है कि पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही और पौधे की जड़ें नहीं चल रही, तो वो समस्या ये होती है कि जैसे आप ये पौधा है इसको ले गए, इसकी जड़ अभी भी ये देखिए ये चल रही है। तो इसकी बात करते हैं, पौधा आप ले जाके जो आपने 10x12 की दूरी पे खड्डे खुदवाए हैं, 2 फीट चौड़ा 3 फीट गहरा, उसमें प्रॉपर जैसे आपने न्यूट्रेंट भी दिए कि 1 kg सिंगल सुपर फास्फेट, 40 ग्राम रीजेंट और जो खाद है गोबर का हुआ, मेंगन का हुआ या मुर्गी का हुआ, इन तीनों खादों को मिक्स करके गड्ढे को हमने प्रॉपर फिल भी किया है, उसके ऊपर पानी भी दिया है, फिर पौधा लगाया, फिर भी पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही। तो उसका मुख्य कारण ये है कि जो हमने खाद दिया है वो 3 फीट गहरे खड्डे में है, वो पौधे के पास में नहीं है। पौधे के पास में ये इतना सा 2 इंची चौड़ा और 3 इंची बड़ा बैग है इसकी जड़ों का। तो इसको जैसे ही अपन जमीन में लगाएंगे, जमीन में लगाने के साथ ही ये पौधा धीरे धीरे ग्रोथ लेगा, जो पास की मिट्टी है उसमें। उसके लिए सबसे पहला काम यह है कि आपको पौधे के पास में हमेशा निरंतर समय समय पर पानी देना है और नमी बना के रखनी है, क्योंकि पूरे खड्डे से इसको मतलब नहीं, पूरी जमीन से इसको मतलब नहीं, मतलब है इसके पास में जो मिट्टी है उसमें प्रॉपर नमी रहनी चाहिए और ये पौधे का ये पिंड है इसमें हमेशा पानी रहना चाहिए, ताकि इसकी जड़ें आसानी से ग्रोथ कर जाए। और जैसे ही पौधे को लगाने के बाद 15 दिन हो, 15 दिन के बाद में आपको इस पौधे में NPK 19-19-19 और वो भी इफको कंपनी का, आपको प्रति पौधा 30 ग्राम जो कि वाटर सोल्यूबल आता है 100%, उसको आप पानी में घोलिए। जैसे अगर आपको 100 पौधों में देना है तो 3 किलो NPK 19-19-19 एक ड्रम लीजिए, उसमें 100 लीटर पानी में घोलिए और 100 पौधों को 1-1 लीटर पानी दे दीजिए। और NPK देने के तुरंत बाद आपको पौधों में पर्याप्त पानी देना अति आवश्यक है। अगर आप पानी नहीं दोगे तो आपके पौधे जल भी सकते हैं। पहला काम आपको ये करना है। और दूसरा काम ये करना है कि आपका पौधा लगने के बाद आपको लगने लग जाए कि इसमें से स्प्राउटिंग चालू हो गई, नई जो ब्रांचे फुटान है वो चालू हो गई, उसके तुरंत बाद में आपको जैसे कि ये ग्राफ्टिंग बंधी हुई है इसकी, ये प्लास्टिक से ग्राफ्टिंग बंधी हुई होती है, इसको जैसे ही स्प्राउटिंग चालू हो जाए इसको आपको खोलनी है। आपको फिर एक ब्लेड लेनी है,
और ब्लेड से इसमें जैसे ये पॉलीथीन बंधी हुई है, जिस साइड ये इसका कटा हुआ हिस्सा है उधर से आप ब्लेड से हल्का सा कट लगाइए यूं। हल्का सा कट लगाने के बाद में आपको इस जो ग्राफ्टिंग की प्लास्टिक की ये जो बैंड बंधी हुई है आपको इसको आराम से खोलना है। जैसे ये खुल गया आपको इसको आराम से खोलना है और मिट्टी में यहाँ तक इसके पास में मिट्टी लगानी है ताकि हवा चले तो ये हिले तब भी ग्राफ्टिंग टूटनी नहीं चाहिए। काफ़ी किसान क्या करते हैं, लगा देते हैं नॉलेज के अभाव में ग्राफ्टिंग नहीं खोलते। अगर ग्राफ्टिंग नहीं खोलोगे तो पौधा ये तना हल्का रह जाएगा और पौधे की बढ़वार होके फिर टूट के गिर जाएगा, पौधा 100% खराब होगा। तो ये खोलना बहुत ही ज़रूरी है, अगर ये नहीं खोलोगे तो पौधा सक्सेस नहीं है। दूसरा स्टेप इसमें ये बहुत ज़रूरी है, और ये खोलने के बाद इसमें अच्छी तरह स्प्राउटिंग चल जाए तो तीसरा जो आपको मुख्य काम करना है वो आपके पौधे के ऊपर जो ये लास्ट नोड है इसको ऐसा एक कटर लीजिए या ब्लेड जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे इसको ऐसे बिल्कुल कट कर दीजिए। पौधे की लास्ट नोड को कट कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए। अगर इसको कट नहीं करोगे तो पौधे की ये एक ब्रांच यही ग्रोथ लेती रहेगी और नई ब्रांच नहीं चलेंगी। इसको कट करने का फायदा यह है कि पौधे में ये जितने भी नोड्स दिख रहे हैं यहाँ से स्प्राउटिंग होके नई ब्रांचें चलनी शुरू हो जाएगी। लगभग 4 से 5 ब्रांच स्टार्टिंग से इसमें स्टार्ट हो जाएगी। ये करना बहुत ही आवश्यक है, अगर ये नहीं करोगे तो पौधे में एक ब्रांच चलेगी और वो पौधा ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा फर्स्ट बार के लिए। यह करने के बाद आपको फिर से 15 दिन के अंतराल पे NPK 19:19 अप्लाई करना है। वो जब तक करते रहना है 3 से 4 बार, जब तक पौधे की ग्रोथ अच्छी ना हो जाए और जड़ें बढ़ नहीं जाए, इनका विकास नहीं हो जाए। जो हमने पहले खाद दिया था उस खाद को पौधा लेने नहीं लग जाए तब तक आपको NPK 19:19 3 से 4 बार अप्लाई करना है, और वो भी IFFCO कंपनी का। अदर कंपनियों का श्री रामू हुआ मैं नाम नहीं लूँगा, जैसे भी जो भी कंपनियाँ हैं उनका अगर आप IFFCO ये NPK देते हो तो उनका रिजल्ट नहीं है। हमने ट्रायल करके देख लिया है क्योंकि सबसे बेस्ट IFFCO का है, उसका रिजल्ट 100% है। तो आप कोशिश करिए नियर बाय कहीं से भी अरेंज करके IFFCO का ही NPK देने की कोशिश करें। 3 से 4 बार IFFCO का देने के बाद में आपको फिर भी लग रहा है कि पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही तो उसमें आप ह्यूमिक एसिड जो एक न्यूट्रेंट आता है वो आप पौधे में दे सकते हो। उसका मुख्य काम रहता है पौधे की जड़ों का विकास करवाना। पौधे की जड़ें जितनी ज़्यादा ग्रोथ करेगी उससे ज़्यादा पौधा ऊपर विकास करेगा। तो ये चीज़ें देना कंपलसरी है अगर आप बागवानी कर रहे हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं या पौधे लगा चुके हैं, उनके लिए ये तो करना बहुत ही आवश्यक है। 3 महीने में पौधे की ग्रोथ हो जाएगी आपकी लगभग 4 फीट, 3 फीट से 4 फीट। उस पौधे में अगर आपको लग रहा है कि पौधे में समस्या आ रही है, समस्या क्या आएगी, जैसे ये पत्ते हैं पत्तों में छेद होना, पत्तों का सिकुड़ना, मुड़ना या कीड़े लगना या जाले मकड़ी लगना, ये समस्या इसमें नॉर्मल आती है, तो उसका आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे? उसके लिए आप एसीफेट 75% के नाम से दवा आती है, या इमीडा क्लोरोफिड ले लो, या कीटनाशक कोई भी जो आपके पास अवेलेबल हो उसका आप पौधे पे एसीफेट का लगभग 30 ग्राम 18 लीटर की टंकी में आप पानी में घोलिए और इन पौधों को आराम से अच्छे से भिगो दीजिए और स्प्रे करिए जिस समय की धूप रहे। 3 घंटे तक लगभग पौधे को धूप रहनी चाहिए क्योंकि वो स्प्रे पौधे पे सूख जाए, बारिश नहीं हो उस समय आपको स्प्रे करना है। ये स्प्रे बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके आसपास खेतों में खरपतवार है या कोई फसल बोई हुई है उनकी वजह से अगर आपके पौधों पर कीटनाशक का ज़्यादा इफेक्ट है तो आप 15-20 दिन के अंतराल पे ये स्प्रे कर सकते हो, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये फायदेमंद है। अब रही बात जो किसान 4 महीने 5 महीने पहले पौधे लगा चुके हैं,
उनमें समस्या आती है, एक तो कीटनाशक की आएगी और दूसरी समस्या ग्रोथ की। तो जो किसान 4 महीने का पौधा हो गया है और उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो वो प्रति पौधा 50 ग्राम एनपीके 19:19 पानी के साथ में घोल के दे सकता है। अब उसका देने का तरीका, एक तो आप अगर ड्रिप से बागवानी कर रहे हो तो वो सबसे बेस्ट है, अगर आप ड्रिप से नहीं कर रहे हो तब आप एक ड्रम में घोल के एक एक पौधे को एक एक लीटर के एवरेज से दे के और फिर उनमें पानी जरूर दीजिए। और वो कब तक देना है, वो जब तक आपके पौधे की ग्रोथ, जड़ों की ग्रोथ अच्छी ना हो जाए और जो अपन ने न्यूट्रेंट खाद दिए थे जमीन में उन पोषक तत्वों को ये लेना स्टार्ट ना कर दे, तब तक अपने को एनपीके देना है। 3 से 4 बार में पौधे की जड़ें अच्छी विकसित हो जाएगी और पौधा प्रॉपर ग्रोथ लेगा। अब रही बात, पौधा 3 से 4 फीट का हो गया, उस पर इफेक्ट आ रहा, कई जगह समस्या आ रही है किसानों को कि मकड़ी की समस्या आ रही है, पत्तों में छेद हो रहे हैं और पौधे की ग्रोथ रुक गई, तो उसका मुख्य कारण यह है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें आप अपने बगीचे को साफ रखें, खरपतवार बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आसपास का। अगर आपका पौधे के चारों तरफ बिल्कुल सफाई रहेगी तो आपके पौधे की निश्चित 100% ग्रोथ भी अच्छी होगी और पौधे में बीमारी भी बहुत कम आएगी। आपको अगर हमारी गाइडलाइन के अनुसार चलने के बाद भी अगर कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि हमें यह समस्या आ रही है, इसकी जानकारी चाहिए, तो उसकी विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी। और नेक्स्ट जो अब फ्लावरिंग का समय स्टार्ट होने वाला है उसके संबंधित वीडियो आपको जल्दी ही हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगा। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे से आगे कोशिश करेंगे हम बेस्ट से बेस्ट जो बेर की बागवानी संबंधित जानकारी आपको उपलब्ध करवाएं। जय जवान, जय किसान, राम राम।